यदि आप एक हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति है तो संभावना है कि आप अपने डाइट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। आप जो भी कुछ खाते हैं या किराने की दुकान पर खरीदते हैं वे प्रत्येक आइटम के हेल्थ रिलेटेड लाभों को जानते हुए ही खरीदा जाता है। संभावना है कि आप अपने लाइफ में कई स्वस्थ आदतों को पकड़ा है और सुनिश्चित करते हैं कि हर समय आप उनका पालन करें। तो उसमें से ही क्या सफेद चीनी को छोड़कर हमें ब्राउन चीनी को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए? तो चलिए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में इसी के बारे में। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्राउन शुगर वर्सेस व्हाइट शुगर। सफेद चीनी और ब्राउन चीनी दोनों सामान्य है, न्यूट्रिशनली और कैलोरी वाइज भी। एकमात्र अंतर है सिर्फ स्वाद, रंग और इन दोनों में होने वाले प्रोसेस से। मूल रूप से ब्राउन शुगर में सफेद चीनी होती है, जिसे कच्ची चीनी के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये सफेद चीनी की तुलना में ये कम केमिकल प्रोसेस से गुजरती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू। दोनों तरह के शुगर्स में सामान्य न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं। ब्राउन शुगर लेस प्रोसेस्ड होता है व्हाइट शुगर के कंपैरिजन में, और इसीलिए इसमें कैल्शियम और पोटेशियम भी आपको मिल जाते हैं, जबकि व्हाइट शुगर में सिर्फ सुक्रोज होता है, जिसमें कोई भी विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। जो भी अंतर होता है वो टेस्ट में होता है। अपीयरेंस। रॉ शुगर में व्हाइट या ब्राउन रंग की शुगर की तुलना में मोर क्रिस्टल्स होते हैं, जो प्रोडक्ट को अधिक ऑर्गेनिक लुक देता है। ये आपको अपने अपीयरेंस से आकर्षित कर सकता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। कुछ फूड आइटम्स में ब्राउन शुगर फिनिश प्रोडक्ट्स में कलर्स ऐड करने का काम करते हैं। कैलोरी कंटेंट। ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर दोनों में पर सर्विंग लगभग सेम कैलोरी होती है। पैक्ड ब्राउन शुगर का एक चम्मच 17 कैलोरी होती है और एक चम्मच व्हाइट शुगर में 16 कैलोरी होती है। ये US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल न्यूट्रिएंट डेटाबेस द्वारा रिपोर्ट है। इसीलिए यदि आप कैलोरी में कटिंग के तरीकों की तलाश कर रहे हैं तो सफेद चीनी पर ब्राउन शुगर चुनना फायदेमंद होगा। द एंड रिजल्ट। व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर दोनों का हमारे हेल्थ पर सेम प्रभाव पड़ता है। ब्राउन शुगर में बरकरार नेचुरल जूस का मतलब अधिक स्वादिष्ट, कम मात्रा में उपयोग करने के बावजूद भी स्वाद बना देता है। US डाइटरी गाइडलाइन के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में 50 ग्राम से अधिक चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, फिर चाहे आप कोई भी शुगर चुने। तो ये ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर के बीच के डिफरेंस के बारे में थी कुछ जानकारी। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप सोच लीजिए कि डाइट में ब्राउन शुगर ऐड करना है या नहीं ऐड करना है। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।